माउंट एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कळसूबाई की, जिसकी कुल हाइट 1646 मीटर है, जो कि अकोला तालुका में आता है, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और अगर बात करें कळसूबाई ट्रैक की, तो ये आप वन डे में भी कर सकते हो, और अगर आप चाहे तो वन नाइट यहाँ पे स्टे भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे वन नाइट स्टे किया था। और ये कैसा होता है हमारा टूर, हमारे कितना कॉस्ट आता है, हमने ये टूर कैसे किया, और बहुत सारी चीज़ें आपको आज इस वीडियो में देखने मिलेगी। तो चलिए अभी देरी ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये जो हमारी जर्नी है, ये स्टार्ट होती है कल्याण स्टेशन से। इस वक्त बजे है 9:30, हम वेट करें हमारी ट्रेन के लिए, जो कि है 9:40 से कल्याण से लेके कसारा तक। और करीब करीब एक घंटे के सफ़र के बाद 10-10-15 तक हम पहुंच जाते हैं कसारा स्टेशन। और अभी कसारा से आने के हमने सोचा कि हम अभी यहाँ से बस से जाएंगे, बट बस ना मिलने के कारण हमने कर दी है गाड़ी बुक, जिसका कॉस्ट पर पर्सन हमें 150 रुपीज़ पड़ा है। और ये खूबसूरत सफ़र को इंजॉय करते करते धीरे धीरे हम अभी बीच में हॉल्ट लेंगे और कुछ चाय नाश्ता करेंगे, और फिर हमारा आगे का सफर हम कंटिन्यू करेंगे। हम लोग हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो 8 लोग हैं, और ये ट्रैक आज हम लोग जाने वाले 1 या 2 बजे से ट्रैक शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद अगले दिन हम लोग, मतलब आज नाइट को स्टे करने वाले और अगले दिन हम लोग फिर से रिटर्न आने वाले। तो आप देखिए ये ट्रैक कैसा होता है। और जो कळसूबाई है, ये जो महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। तो आप देखिए, बने रहिए मेरे साथ, अभी हम लोग चाय पीने के लिए रुके, तो चाय वाय पीते हैं और फिर हमारा जो सफ़र है वो कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, चाय वाय पी लेते हैं, थोड़ा सा अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। और अभी 1.5 घंटा लगे हमको वहाँ पहुँचने के लिए, फिर उसके बाद वहाँ से ट्रैक शुरू होगा। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। सो गाइस, करीब 1.5 घंटे के जर्नी के बाद अभी हम पहुंच गए हैं बारीगांव, और यहाँ से हम ट्रैक शुरू करेंगे अभी। तो करीब करीब हमें 3 घंटा ऑलमोस्ट लग जाएगा ऊपर तक पहुंचने के लिए, और आज हम लोग वैसे भी वही टेंट लगाने वाले। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। और ये देखो, मैं कैमरा टर्न करता हूँ 1 मिनट। और ये देखो, ये बाकी के लोग आगे जा चुके हैं, और ये व्यू देखो आप यहाँ से, मतलब ऑसम है एकदम। तो चलिए अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। और ये जो ड्यूरेशन है, मतलब ये पूरा जो माउंटेन का, ये है 1600 मीटर के करीब लगभग। तो 3-3.5 घंटा तो ऑलमोस्ट हमें लग ही जाएगा। और आप अगर जब आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आप एक काम कीजिए, आप ड्रिंकिंग वाटर आपके साथ हमेशा रखिए खाने के लिए, और आप चॉकलेट्स वगैरह रख सकते हैं, वो सारी चीज़ें आप रखिए आपके बैग में। अगर आप ऊपर रुक रहे तो आपको टेंट लगेगा, हम लोग यहाँ से अभी बोरो करने वाले टेंट, उसका कॉस्ट मैं आपको बताऊँगा कितना लगेगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है कि कितना कॉस्ट लगेगा। और बहुत बस, और आपका सफ़र कंटिन्यू के बीच बीच में ब्रेक लीजिए, आपको अगर लग रहा है कहीं हॉल्ट करना है आपको, तो सांस लेने के लिए ब्रेक लीजिए। 3-3.5 घंटा आपको आराम से लगेगा पहुँचने में, आराम से जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो थोड़ी देर चल के अभी हम ऐसे लोकेशन पे आ गए जहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं। तो आप ये सामने जो बोर्ड है वो देख सकते हैं, वहाँ से आपको लेना है लेफ़्ट, और लेफ़्ट की साइड धीरे धीरे हम आगे बढ़े, और आपको ये जो ट्रैक जहाँ से शुरू होगी, आपको पूरा गांव के अंदर से जाना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपको रास्ता ढूंढने की, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये जो रास्ता है, जैसे जैसे रास्ता जाता है आप वैसे वैसे ही जाए, बीच में आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा। आपको ये जो घर है वो वैसे देखने को मिलेगा, पुराने घर, और फिर आप वो पहुँच जाओगे एक ऐसे लोकेशन पे जहाँ से ट्रैक होता है शुरू। और अभी ये जो लोकेशन है, यहाँ से हमारा ट्रैक होगा शुरू, और ये एक्चुअल लोकेशन नहीं है, आगे भी एक लोकेशन है जहाँ से मेन ट्रैक शुरू होता है, लेकिन ये जो रास्ता है, यहाँ से आपको एक मंदिर मिलेगा आगे, और वो मंदिर के आगे से आपका जो मेन ट्रैक है वो हो जाएगा शुरू। तो चलिए अभी हम भी धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सो गाइस, 10 मिनट चलने के बाद आप ये देख सकते हैं बहुत सारी स्वेटिंग हो गई है, और
थोड़ा आगे आए, आप एक एक से पूछते उनको कैसा लग रहा है। स्टार्ट करते आदित्य से, कैसा फील कर रहे हो आदित्य? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, और अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी आगे देखते हैं कितना लंबा है और। तो चलो बाकी लोग से ही पूछते। मैं तो पहली बार इतना बड़ा ट्रैकिंग पे आया हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू शुक्ला जी। मैं भी फर्स्ट टाइम इतना बड़ा माउंटेन पे मतलब ट्रैकिंग पे आया हूँ, तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा भी पहला ट्रैक है, बहुत अच्छा लग रहा है। सबकी फट गई है क्या पहले ट्रैक? पहला ट्रैक ही सबसे लॉन्ग। और हमारे कैप्टन आशीष जी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने पेड़ एक डाली का ये काट के लिया है, तो आगे चलते हैं। हाँ, जैसे जैसे लकड़ी मिल रही है। सोनू भैया, अभी शुरुआत है, दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली बहुत दूर है, चलिए फिर धीरे धीरे आगे चलते हैं। लोकेशन है बहुत लंबा है अभी तो। और हमारे स्पॉन्सर अक्षय आहिर सामने आराम से बैठे। अरे इसको किसने तो भेजा है। चलो, और ये कब से हमारे साथी है? ये जब से हम लोग उधर से आए नीचे से, तब से स्टार्ट हमारा स्टार्ट ही है, वो अब से साथ में ही है। चेरू हुआ उसका नाम, चेरू पर रिव्यू हमने ले लिया। अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं। और अभी हमने उनसे पूछा जो वहाँ से आए थे, उन्होंने बोला अभी तक तो ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ है और अभी से ये हालत हो गई है। स्वेटिंग देखे, आगे पता नहीं क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। फॉर जैसे बाद में आपको ज्वाइन करेगी, जैसे जैसे कोई स्पॉट आता है मैं आपको बताता हूँ। करीब करीब आधे घंटे के बाद अभी हम एक पॉइंट पे आके रुके। ये मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कलसुबाई निवास देवस्थान, और वो मंदिर है वहाँ पे। तो अभी करीब करीब ढाई तो बज गए हैं, तो कुछ खाना खाएंगे हम लोग और फिर आगे का ट्रक शुरू करेंगे। तो चलिए मंदिर देखते हैं और फिर आगे का ट्रक शुरू करते हैं। तो अभी हम मंदिर के यहाँ पे रुके हैं और ये आप सामने देख सकते हैं, यह है मंदिर। और यहाँ पे दर्शन करेंगे अभी हम। और यहाँ से जो कलसुबाई का एक्चुअल सफ़र है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अभी चलिए। तो अभी दोपहर के बज गए हैं 2, और अभी हम वैसे भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो हमने सोचा कि ऑलरेडी 2 बज गए हैं तो हम क्यों ना लंच कर ले। तो यहाँ पे अभी सब लंच करने बैठ चुके हैं, तो लंच फिनिश करेंगे और फिर हमारा जो ट्रैक है वो शुरू करेंगे। बट किस्सा ये हुआ था कि लंच हमने लाया था कम, और फिर हम सोच रहे कि रात के खाने का क्या करें। तो ये जो आप सामने घर देख रहे हैं, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। अब ये इन्होंने हमारी हेल्प किस वे में की, ये मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। तो किस्सा ये हुआ था कि हम लोग मैगी तो लेके आए, हमने बाकी सारी चीज़ें तो ले ली, तो हम सोचे कि अभी मतलब ऊपर आके मैगी तो खा लेंगे, लेकिन 8 लोग हैं और भूख तो लगेगी, तो अभी हम करें क्या। और हम लोग नीचे से कुछ लेके भी नहीं आए थे, तो हमें एक दादी मिली थी और उन्होंने बोला आप किसी घर में जाओ, उधर है, उनको पूछो कि चावल मिलेगा क्या। तो हम गए उनके पास, उनसे बातें बातें की हमने, और उन्होंने हमें चावल दिए और जितनी भी चीज़ें रहती, जो एक नॉर्मल खिचड़ी या मसाला भात जो हम बनाते चावल उसके लगते, उन्होंने वो सारी चीज़ें हमें दे दी। और उन्होंने सिर्फ उसके 50 रुपीज़ लिए और उन्होंने साथ में उनका बर्तन भी दिया। तो उन्होंने हमें ये बोला कि कल जो कोई भी आया था वो लोग उनसे बर्तन लेके गए, और उन्होंने क्या किया कि जो रिटर्न उनका बर्तन दिया नहीं। तो ये बहुत बुरी चीज़ है, अगर आप मतलब किसी को कुछ सामान ले रहे हो, चीज़ ले रहे हो, तो उन्हें फिर से लौटाओ। तो हमने अभी सारी चीज़ें ले ली है, अभी हमारा ट्रैक मेन ट्रैक यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो और वो यार, वो जो तीनों दादी थी बहुत अच्छी थी, बात करने बहुत अच्छी थी। उन्होंने लिटरली हमें हर एक चीज़ मतलब 8 लोगों के लिए जितना खाना लगता है खिचड़ी बनाने में, हमें पूरा उन्होंने मतलब फ्री में ही दिया, ऐसा समझो। 50 रुपीज़ कुछ नहीं होता है, फिर भी हमें उन्हें 100 रुपीज़ हमने दिए, मतलब इतना भी यार नहीं करना चाहिए किसी का। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी यहाँ से हमारा सफ़र शुरू करते हैं और चलते हैं आगे की तरफ। तो करीब करीब 1 घंटा चल के अभी हम रुके हैं रेस्ट करने के लिए। और ये आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ से टेंट लिया है रेंट पे, जिसका कॉस्ट हमें 400 रुपीस पड़ा है, जिसमें 4 लोग आराम से रह सकते हैं, और हमने 2 टेंट ऐसे बाय कर लिए हैं। सो गाइस, करीब 15 मिनट और 20 मिनट के वॉकिंग के बाद अभी हम एक स्पॉट पर रुके। ये बाकी के लोग देखो वहाँ तक पहुँच गए, और धीरे धीरे हम भी जा रहे आगे। ब्लॉगर का एक बहुत इश्यू है कि उसको हर एक स्पॉट पे रुक के उसको प्रॉपर जो वीडियो है वो कैप्चर करना पड़ता है,
तो वो एक बहुत चीज़ डिफिकल्ट थी। इसी कारण सब लोग आगे निकल जाते हैं और हम पीछे रह जाते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो जो स्पॉट है वो लोग रुके, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बजे है 3:30 और ऊपर पहुँचते आई गेस 5:30-6 तो बज ही जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 50% ऑलमोस्ट हमारा कवर हो चुका है और 50% बाकी है। और एक ध्यान बात कि आपको यहाँ पे 3 सीढ़ियाँ मिलेगी, तो जो 3 अलग अलग पॉइंट पर रहेगी। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं अभी, ये फर्स्ट जो लैडर है वो है, और इसके बाद आपको जो दूसरी लैडर मिलेगी जो उसे थोड़े आगे है, और उसके बाद आपको मिलेगी थर्ड लैडर जो सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये जो है ये 85 डिग्री है। तो यहाँ से आपको बच के चलना पड़ेगा और आप सावधानी से जाइए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो है बंदर, आप ये देख सकते हैं। तो बंदर से भी आपको बच के रहना है, और आप कुछ भी हाथ में कैरी मत कीजिए, आपकी जो भी आपकी चीज़ है वो बैग में रख दीजिए। तो बस यही 3 जो पॉइंट है, यहाँ से आपको संभल के चलना है। सो गाइस, करीब करीब 3-4 घंटे के सफ़र के बाद अभी हम हमारे डेस्टिनेशन पहुँच गए, और अभी हम वो उस जगह पर टेंट लगाए गए, वो देखिए अक्षय जहाँ पे खड़ा है वो वाला, वहाँ पे अभी हम टेंट लगाएंगे। और फिर ऊपर जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हम जाने वाले कल सुबह मॉर्निंग में मंदिर है, वहाँ पे कल सुबह मॉर्निंग में जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे पहले तो टेंट लगाएंगे हम लोग का, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे चाय वाय बनाएंगे, चाय वाय पिएंगे। तो आप देख सकते हैं सामने अक्षय और आशीष यहाँ पे टेंट लगा रहे हैं, और कोई पानी लाने गया है, कोई लकड़ियाँ लाने गया है। लकड़ियाँ इसलिए भी कि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम आग जलाएंगे। और दूसरी चीज़ कि हमें रात का खाना भी बनाना है, क्योंकि हमने और कोई इंतज़ाम नहीं किया है खाने का, हमें खुद बनाना है। तो टेंट लग गया हमारा, अभी हम हमारा जो मैगी है मैगी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैगी बनाएंगे और फिर रात का जो खाना है वो बनाएंगे मोस्टली। तो ये आप सामने देख सकते हैं हमारा मैगी जो है ऑलमोस्ट बन चुका है। ये फिनिश करके अभी हम हमारा जो रात का खाना है उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और आज का डे यहीं पे हंट करेंगे हम। हमें अगले दिन और 10-15 मिनट की चढ़ाई करके ऊपर जाना है मंदिर के साइड। तो खाना खा के आज का डे यहीं पे एंड करेंगे, और आपसे अभी मिलेंगे सीधा कल। तो चलिए डे एंड करते हैं और आपसे अभी सीधा मिलते हैं कल। सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे हमारा टेंट था, और हम उस रूट से आए हैं, आप ये सामने देख सकते हैं उस रूट से वैसे। और यहाँ पे और एक लैडर है, और यहाँ पे सामने आप देख सकते हैं, ये भी मतलब इतना कोई रिस्की नहीं है। यहाँ पे आपको और एक लैडर ये सामने आप देख सकते हैं, और ये ऊपर उसके है मंदिर। तो और हम सुबह 4:30 बजे ऑलमोस्ट उठ गए थे बैकपैक करके, तो हमने सोचा कि सनराइज़ देखना हमें तो तुरंत चले जा। तो सनराइज़ का भी टाइम स्लैप है, आप वो भी देख सकते हैं, और फिर मिलते हैं बाद। सो फाइनली कल से हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था वो आज हो जाता है कंप्लीट। मंदिर के दर्शन करेंगे, यहाँ पे आधा घंटा और स्पेंड करेंगे हम, और ये जो हमारा क्रोसू बाइक का सफ़र है ये बहुत ही अच्छा था। हमने यहाँ पे सनराइज़ देखा, सनसेट देखा, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे आके आपको एक सुकून सा मिलेगा, फाइनली आपको लगेगा कि आपकी जो 3-4 घंटे की जो मेहनत है वो रंग लाई है। यहाँ से आपको जो व्यू मिलेगा वो एक अलग एक्सपीरियंस है, और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं। मैंने आपको पूरी वीडियो मैंने निकाली है, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप भी कभी गए हो करसू भाई, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमें कमेंट सेशन में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और चलिए इस वीडियो को अभी करते हैं बाय, आप कहीं जाइए मत, इस वीडियो का पूरा व्यू इन्जॉय कीजिए करसू भाई का। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।